आप सभी का जन सरोकार मंच में स्वागत है। आज हमारे साथ साहित्य जगत की दो विभूतियां जुड़ी हैं। मैं इनका एक संक्षिप्त परिचय दे देता हूं। जैसे हमारे साथ संतोष श्रीवास्तव मैम जुड़ी हैं, ये कहानी, उपन्यास, कविता, स्त्री विमर्श, असंस्मरण, लघु कथा, साक्षात्कार और आत्मकथा की अब तक इनकी 22 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, और साथ में 4 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जिसमें मॉरिशस, कंबोडिया, ताशकंद और बैंकॉक तथा 18 प्रादेशिक स्तर के पुरस्कार मिल चुके हैं। तो मैं संतोष मैम का स्वागत करता हूँ। नमस्ते मैम। नमस्ते हाँ, साथ ही हमारे संतोष तिवारी नमस्ते मैम। मैं प्रमिला मैम का परिचय देना चाहता हूँ। प्रमिला मैम पीएचडी हैं, पिछले 20 वर्षों से अखबार में फीचर संपादक के पद पर कार्यरत रही हैं। अभी तक 6 कहानी संग्रह, 2 उपन्यास प्रकाशित हुए हैं। दंगों पर आधारित 2 कहानी संग्रह का संयुक्त संपादन किया है। हेमंत की कविताओं को सहेज कर पुस्तक रूप में संपादित और प्रकाशित किया है। दी संडे इंडियन एक्सप्रेस पत्रिका में 21वीं सदी की 111 हिंदी लेखिका में इनका एक नाम है, और साथ में विशेष संग्रहों में कहानियां प्रकाशित हुई हैं। रॉबर्ट गिल की पारो उपन्यास, अजंता की गुफाओं में पनपी एक सच्ची प्रेम कहानी पर शोधात्मक उपन्यास है। सुप्रसिद्ध साहित्यकार विजय वर्मा की स्मृति में हेमंत फाउंडेशन की स्थापना इन्होंने की। पिछले 20 वर्षों से विजय वर्मा कथा सम्मान एवं हेमंत स्मृति कविता सम्मान प्रदान इन्होंने किया है। ट्रस्ट की संस्थापक भी हैं और सचिव के रूप में भी कार्यरत हैं। प्रमिला जी कई पुरस्कारों से सम्मानित हो चुकी हैं, और साथ में लिखना, पढ़ना, लेखन और घूमना इनका प्रमुख शौक है। नमस्ते मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है जन सरोकार मंच में। मैडम आप, नमस्ते। आवाज आ रही है ना? हाँ आवाज आ रही है मैम। आगे संतोष मैम और प्रमिला मैम इस कार्य को आगे संपादित करेंगी, तो मैम संतोष मैम आप इस कार्य मतलब बातचीत को आगे बढ़ाएं और परिचय को और बृहद रूप से प्रस्तुत करें। धन्यवाद मैम आप दोनों। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष तिवारी जी, बहुत बहुत जन शुक्रिया सरोकार। संतोष, दोनों संतोष जी को बहुत बहुत शुक्रिया। आज जन सरोकार मंच के इस वृहद मंच पर मैं प्रमिला वर्मा के साथ आपके साथ लिए उपस्थित हूँ, और उनकी पुस्तक रॉबर्ट गिल की पारों को केंद्रित कर हम इस कार्यक्रम में प्रस्तुत करेंगे। मैं देवेंद्र जोशी जी की बहुत बहुत आभारी हूँ, उन्होंने हमें ये मौका दिया। वे हमेशा बड़ी बड़ी विभूतियों को और न्यू कमर्स को भी इस मंच पर लाते रहे हैं, बहुत ही प्रशंसनीय उनका कार्य है। तो मैं उनको बहुत उनके लिए आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने हमें ये अवसर दिया कि हम यहाँ पर अपनी बात रख सकें। और प्रमिला जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार प्रमिला जी। बहुत बहुत नमस्कार। जी आपका स्वागत है। जैसा कि सर्वविदित है कि आपकी सद्य प्रकाशित उपन्यास जो है रॉबर्ट गिल की पारो, वो काफी चर्चित हो रहा है, और उसमें जो आपने मेहनत की है वो किताब को पढ़कर बहुत स्पष्ट दिखाई दे रही है। मैं उसमें मेरे बहुत सी जिज्ञासाएं हैं उस उपन्यास को लेकर, जिन्हें मैं यहाँ पर प्रश्न के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। तो जी अवश्य। प्रमिला जी हम जानना चाहेंगे कि आपके मन में ये विचार कैसे आया, कौन सी प्रेरणा थी जो आपको इस उपन्यास को लिखने के लिए प्रेरित करती रही। जी सर्वप्रथम तो मैं देवेंद्र जोशी जी को बहुत आभार देती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया अपने इस उपन्यास को पाठकों के सामने रखने का। फिर संतोष जी आपका बहुत बहुत आभार कि आपने अपना इतना कीमती वक्त मुझे दिया, और आपके आपने पूछा तो मैं बता रही हूँ कि मैं औरंगाबाद में, मेरा ससुराल है और मैं वहाँ बरसों से रहती आई हूँ। वहाँ पर ही अजंता की गुफाएं हैं। तो एक बार समाचार पत्र में आया कि अजंता ग्राम, अजंता में जो अजंता ग्राम है वहाँ पर की पारो रॉबर्ट गिल को काला गुलाब दिया करती थी। तो मैंने सोचा काला गुलाब तो बहुत रेयर होता है,
और इस बारे में बहुत जानने की उत्सुकता हुई क्योंकि रॉबर्ट एक अंग्रेज सैन्य अधिकारी और पारो आदिवासी, तो ये प्रेम कहानी के प्रसंग को लेकर मेरी इच्छा हुई और मैं इसमें आगे बढ़ने लगी और ये विचार मैंने मन में आया और मैंने इसके बारे में बहुत सी जानकारी इकट्ठी की। बहुत बढ़िया प्रमिला जी। काला गुलाब हमने देखा है, जब हम न्यूजीलैंड गए थे तो वहां पे एक बगीचे में काला गुलाब लगा था, और वाकई में बहुत रेयर होता और बड़ा खूबसूरत होता है। उसे देख के मन बहुत खुश हुआ था कि भाई ये काला गुलाब, अब आज आपसे पता चला कि यहाँ भी काला गुलाब हमारे भारत में होता है। आप ये जो उपन्यास है इसमें आपने डिस्क्लेमर लिखा है और बहुत हाँ जी, अद्भुत जानकारियों से भरा वो डिस्क्लेमर है, तो ये जानकारी आपको कैसे मिली? पूरा उपन्यास ही एक समय को सामने रखकर और तथ्यों को इकट्ठा करके ही लिखा गया है, तो डिस्क्लेमर में भी वही सब सारी चीजें आएंगी, तथ्य आएंगे, सत्य आएगा और उनका होना जरूरी भी था, तभी वो इस कथा को एक रूप दे सकते थे हम। तो जब जब रॉबर्ट के बारे में बहुत अधिक मुझे जानने की इच्छा तीव्र हुई तो मैं सरकारी लाइब्रेरी में जाकर उस दौरान के मैंने गजेटियर देखे और बहुत छोटी छोटी सी जानकारी मैंने इकट्ठी की। गजेटियर खुद ही ढूंढना पड़ता था और उसकी धूल भी खुद ही झटकारनी पड़ती थी, एक वाह विशेष क्या बात रही। बात, बहुत बढ़िया इसके हाँ, जी और तो गजेटियर में बहुत छोटी छोटी सी जानकारी रहती थी, मतलब दो दो चार जी चार लाइन को इकट्ठा किया मैंने। बहुत बहुत बढ़िया, आपने बहुत मेहनत की इस उपन्यास को लिखने में तो जी। इसके अलावा मैंने कहा कि जिसने अपने चित्रों के माध्यम से अजंता केव्स को पूरी दुनिया के सामने रखा तो उसके बारे में निश्चय ही लंदन की लाइब्रेरी में कुछ जरूर होगा। तो फिर मैंने वहां से कांटेक्ट किया लंदन की लाइब्रेरी से और मेरी बेटियां जो हैं दिव्या और यामिनी ने इसमें मुझे बहुत हेल्प की। तो वो जो छोटे छोटे से मुझे रिसर्च मिले तो उसमें खाली सन था, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था, मैंने उसको फिर विस्तार से कल्पना के आधार पर पूरा किया। चलिए, मेरा दूसरा सवाल इसी बात को लेकर था कि ये लंदन की जो आपने छोटी छोटी बातें इसमें लिखी हैं, और 1824 से लेकर रॉबर्ट की मृत्यु तक जो आपने तथ्य इकट्ठे किए हैं, और वो लंदन लंदन से आए थे भारत, और आपने उसमें लंदन की भी विस्तृत जानकारी दी है, तो अच्छा आपने बताया। और कुछ इस विषय में बताना चाहेंगी, लंदन के विषय में? हाँ, लंदन के बारे में उस दौरान की जानकारी इकट्ठी करना थोड़ा कठिन काम था क्योंकि वो सन ही ऐसा था, 1824 से शुरू होता है उपन्यास और 1879 यानी 1879 तक जाता था, तो बहुत सारी रिसर्च इसके बारे में नहीं हुई थी। उस समय वाहन भी नहीं थे, खाने पीने की चीजें भी सामग्री भी बहुत अधिक नहीं होती थी, बहुत सारी रिसर्च भी नहीं हुई थी। तो फिर मैंने देखा कि उस दौरान क्या खाया पिया जाता था, तो उसी दौरान आइसक्रीम का भी आविष्कार हुआ था, तो हाँ मैंने वो उसके भी मैंने पढ़ा। हाँ सोचा कि उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करूं। तो वो आइसक्रीम कैसे जमाई जाती थी कि तलघर में ले जाके पहाड़ों से बर्फ लाकर वहां जमा की जाती थी और उसमें आइसक्रीम जमाई जाती थी, फिर उसमें फ्रूट्स डालने लगे, मेवे डालने लगे, ये सब मैंने उसमें लिया क्योंकि वो उसी दौरान ऐसा हुआ था और जी अर्जेंटीना बहुत से भी बढ़िया, था, तो वो सब मैंने इसमें इकट्ठा किया। बहुत बहुत शानदार जानकारी है ये तो, आइसक्रीम उस जमाने में आइसक्रीम की जी हाँ, जी। आपने बताया कि पारो अजंठा ग्राम की थी, पारो के हाँ विषय जी, में जानने के लिए क्या आप अजंठा ग्राम गई थी? हाँ मैं पारो के विषय में जानने के लिए अजिंठा ग्राम गई थी क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि पारो के बारे में वहां जानकारी मिल सकती है, वहीं पारो की कब्र भी है, तो मैं वहां पर गई थी तो मुझे ऐसा लगा कि अजिंठा ग्राम में पारो अभी तक जीवित है, मतलब हर कोई पारो को जानता था वहां पर। तो फिर पारो के बारे में जैसे सुनी सुनाई कहानियां एक दूसरे को हस्तांतरित होती हैं, तो उस ढंग से उन लोगों ने पारो को तो ऐसी जानकारी दी कि बहुत ही अच्छा था, पारो एक नृत्यांगना थी और पारो गाती थी, पारो होली बहुत अच्छा मनाती थी, वो पूरी मराठी पृष्ठभूमि थी और वो लोग मुझे मराठी में ही बता रहे थे क्योंकि मराठी ही उस गांव में थी और मैं समझती जा रही थी और मैं हिंदी में बोल रही थी, वो मराठी में बोल रहे थे, तो
इस ढंग से बात मैंने है, पार्टी जानकारी इकट्ठी करी। बहुत बढ़िया। और आपने अभी अभी बताया कि अजंता की जो गुफाएं हैं दुनिया के सामने लाई गई हैं चित्रकारी, वो कैसे संभव है, मतलब वो कैसे संभव हुआ, थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालें। हाँ, इसकी दरअसल इसकी खोज तो मतलब एक एक्सीडेंटल खोज कहलाती है, अकस्मात इसकी खोज हुई। तो जॉन स्मिथ, जो इनसे पूर्व वो रॉक कट मंदिरों के ऊपर काफी मतलब अपने देश के, जिसको इंडिया बोला जाता था उस समय, तो अपने देश के रॉक कट मंदिरों के बारे में बहुत जानकारी इकट्ठी कर रहे थे। तो उनको कुछ जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर कोई गुफाएं हैं या कुछ है, तो वो शिकार के लिए वहां पर पहुंचे थे, क्योंकि वो एलोरा गए थे। तो वहां बोले कि इधर शिकार के लिए जाएंगे, तो वो अजंता ग्राम की तरफ गए। तो वहां उन्हें एक व्यू पॉइंट जो अब बनाया गया है, तो वहां से उनको कुछ कमान सी दिखाई दी। तो उनने सोचा कि जरूर यहाँ पर कुछ है। तो ये एक एक्सीडेंटल खोज थी। अब उनने इसमें ये रखे, पेपर्स बनाए, और एक गुफा के ऊपर उनने अपने शिकारी चाकू से हस्ताक्षर किए जॉन स्मिथ ने। फिर उनने बोला इसको दुनिया के सामने कैसे लाया जाए इनको, क्योंकि उस समय ना फोटोग्राफी ये सब का बहुत वो था। तो उनने रॉबर्ट गिल, चूंकि पेंटिंग करता था बचपन से ही करता था, तो उन्होंने उसके बारे में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी को लिखा, और उनने चित्र बनाए, और वो एक सैन्य अधिकारी था, लेकिन उसने चित्र बनाए और बहुत सारे, और उसने इस ढंग से दुनिया के सामने उन पेंटिंग को रखा। तो मेरे ख्याल से पेंटिंग अगर वो नहीं बनाता तो बहुत जल्दी ये रिसर्च सामने नहीं आ सकती जी, थी। और मतलब मैं कल्पना, जी उस बताएं। दौरान ना ही कैमरे थे ऐसे कि उनकी फोटो ली जा सकती, ना ही ऐसे कोई आदान प्रदान का था कि किसी तरीके से सबके सामने उसकी फोटो पहुंचे या कुछ हो। तो उन्होंने बोला कि ये रॉबर्ट गिल, ये सैन्य अधिकारी है, पेंटिंग भी करता है, तो ये अपनी फोटो और अपने माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से वो दुनिया तक इसको पहुंचा सकता है। तो उनने इस बारे में रॉबर्ट गिल को ये काम सौंपा, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने उस वाह। समय अंग्रेज। वैसे अंग्रेजों ने अपने समय में काफी हमारे भारत की ऐसी चीजों की खोज की है। मैं कल्पना कर हाँ सकती हूँ कि अजंता की गुफाएं मतलब झाड़ियों में छुपी होंगी, हरे भरे, उसमें से खोजा होगा उन्होंने, उनके कुत्ते भी साथ गए होंगे। आपने भी काफी इसका वर्णन भी किया, बहुत बहुत खूबसूरत वर्णन है आपका इस किताब में, मतलब अजंता का। मैंने इसकी तो गुफाएं देखी है एलोरा की, लेकिन अजंता की नहीं देख पाई, और बहुत इच्छा है क्योंकि सुना है वो सब कलरफुल हैं, बहुत रंगीन हैं वहां के इसमें चित्र। की गुफाओं का वर्णन किया है, और वो कलर्स उस दौरान है जो अब सहेजे जा रहे हैं, जो इस काल में सहेजे जा रहे हैं, लेकिन उस समय तो बिल्कुल ऐसा था कि रॉबर्ट कैसे गया, ये आप उपन्यास पढ़ के, आपने तो पढ़ा उपन्यास, वही पता लगता है कि किस ढंग से रॉबर्ट वहां तक पहुंचा, उसने किस ढंग से सफाई उसकी और ये सब किया, उसके हैदराबाद की निजाम ने भी उसकी सहायता की इस बारे में, क्योंकि उस समय हैदराबाद निजाम औरंगाबाद रहता था, तो उसने करी। ये बड़ा कठिन काम है जो इन लोगों ने किया, मतलब कोई मामूली बात नहीं थी ये, कि दुनिया के सामने भारत की इतनी समृद्ध कला को लाना, ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए जो आपने वर्णन किया है, मैं बहुत बधाई देती हूँ कि इतनी मेहनत की और उस बात को आपने रेखांकित करते हुए अपने उपन्यास में लिखा है। मुझे लगता है ये शोध छात्रों के भी बहुत काम आएगी ये किताब, क्योंकि और इसमें काफी। जी हाँ, उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने 360 पेंटिंग बनाई थी रॉबर्ट ने, जो उसने अल्बर्ट हॉल लंदन में भेजी, वो वहां पर, और कितना दुखद था कि उन पेंटिंग्स में आग लग गई वहां की प्रदर्शनी में। बहुत हाँ, और उसकी 200 नष्ट हो गई जो उसने बरसों में बनाई थी। ये बहुत ही, उसने किस जहाज से भेजा, कैसे क्या किया, ये सब वर्णन है उसमें। तो उसकी, और उसके में जो एक लेडी आती है, तो उसने फिर पेंटिंग बनवाई, और उसने
सोचिए जरा कि उसके अंदर कितना धैर्य था उस व्यक्ति में, रॉबर्ट गिल में, कि फिर से वो पेंटिंग्स बनाई और फिर से उसको दुनिया के सामने रखा। तो मतलब ये हुआ कि स्त्री स्त्री के बहुत बड़ा हाथ है इस बात में उनके। बिल्कुल बोल हाँ रही हैं आप, पारो का भी हाथ है और उसकी जिंदगी में जो एक और भी आई उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न उठता है, जो मैंने उपन्यास पढ़ा कि 200 पृष्ठों तक तो पारो का कहीं जिक्र ही नहीं है, जबकि आपका जो उपन्यास का नाम है रॉबर्ट गिल की पारो, तो पाठकों के मन में ये बात उठती है कि ये पारो कहाँ है, कितना धैर्य रखे आखिर वो 200 पृष्ठ पढ़ेंगे तब पारो सामने आती है। तो जरा सा इसके बारे में बताएं कि 200 पेज के बाद उनकी एंट्री क्यों हुई। हाँ ये सही है, आपका कहना सही है कि 200 पृष्ठों के बाद ही पारो का जिक्र आया है, क्योंकि मैंने समय के हिसाब से और जैसे जैसे उसकी जिंदगी में जो जो आता गया उस हिसाब से मैं लिखती गई। अब पारो उसका अंत समय था, मतलब पारो के बाद वो 20 वर्ष और जीवित रहा, लेकिन पारो जब आई तभी मैंने उसको पारो को लिया। उससे पहले मुझे उसकी जिंदगी के बारे में इतना अधिक मिल गया रॉबर्ट गिल के बारे में, और इतना अधिक उसके स्टेप बाय स्टेप कहना चाहिए कि मैं लिखती ही गई, तो पारो जब आई उसकी जिंदगी में उसको मैंने तब रखा। तो मतलब एक ढंग से शोध कार्य हो गया कि जब जैसा जब आता गया तो वो मैं लिखती गई, इसलिए ये सही है। और इसीलिए मैंने रॉबर्ट गिल की पारो उसकी उपन्यास का नाम रखा, क्योंकि पारो ही उसकी जिंदगी का प्रेम था और रॉबर्ट की जिंदगी के लिए पारो ही थी। तो ये प्रेम कहानी महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा फेमस हुई और सब लोग इसको बोलने लगे, लेकिन सिलसिलेवार इसको नहीं रखा गया, जो मैंने रिसर्च के अनुसार इसकी कोशिश की है अपने उपन्यास में। सिलसिलेवार लिखने का कार्य आपने किया, क्योंकि छिटपुट तो कहानियां प्रेम की इधर उधर बिखरी रहती हैं, उनको सहेज कर और उसके बारे में विस्तार दिया आपने। बहुत आपको सारे सब बधाई इस देखिए बात। तो आप है कि कैसे रिसर्च, आपने भी रिसर्च के ऊपर 2-3 उपन्यास लिखे हैं तो पता ही सिलसिलेवार सब आता गया जी उसमें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने चर्चा की कि पारो के जीवन इनके रॉबर्ट पारो तो उनकी अंतिम प्रेमिका थी, लेकिन उनके जीवन में बहुत सी स्त्रियां आईं। तो मुझे थोड़ा रॉबर्ट गिल के चरित्र पर संदेह होता है कि कैसे आखिर उनके जीवन में स्त्रियां आती गईं और वो उनको स्वीकार करते गए, और फिर पारो के प्रेम को क्यों इतना प्रसिद्ध माना गया, ये नहीं आप जी। ये कहूंगी कि नहीं, वो स्त्रियों का ऐसा शौकीन नहीं था, एक्चुअली वो प्रेम को ढूंढता था। तो उसकी जो शादी हुई फ्लावर ड्यू से, वो एक सामंती घराना था जो बहुत तिरस्कार स्वरूप रहा वो उस पत्नी से। फिर उसकी जिंदगी में, हाँ ये सही है कि सगाई के बाद एक लीजा नाम की लड़की आई और वो उसको इनकार नहीं कर सका और उन दोनों में संबंध हुए, और उसके बाद फिर वो अपनी ही इच्छा से सेना में भर्ती होकर और इंडिया आ गया। उसके बाद इंडिया आया तो फ्लावर ड्यू लगातार उसकी पत्नी उसको बोलती रही कि नहीं वापस चलो वापस चलो, और उसको लगता था कि नहीं इंडिया में कुछ है जो मुझे पुकारता है। तो जहां तक मैंने उसकी मनःस्थिति को रेखांकित किया है वो ये है कि जो वो बहुत प्रेम का भूखा था, और इसीलिए उसकी जिंदगी में एक दो स्त्रियां और आईं और अंतिम रूप से पारो आई। तो पारो तो इस कदर उसको प्रेम करती थी जैसा कि सुना और जैसा कि वहां जाके पता चला, और जैसा कई साल वो बिल्कुल पागल जैसा रहा मतलब उसके लिए। तो नहीं लगता कि वो मतलब ढंग का व्यक्ति था जो आमतौर पे होते हैं, ऐसा नहीं था, वो प्रेम को ढूंढता था और यही प्रेम उसको बार बार खींच लेता था जो उसकी प्रेम देते थे उनकी तरफ। तो बस वास्तविक यही है, जीवन में भी ऐसा होता है। प्यार से इतना ओतप्रोत था कि किसी के आह्वान को वो इनकार नहीं कर पाता था। तो वही है जाने कि क्या हुआ, वास्तविक जीवन में भी होता है ऐसा कि हम जिसको प्यार करते हैं उसके अलावा भी हमें कोई अच्छा लगने लगता है, और ये सब है, लेकिन समाज उसे स्वीकार नहीं कर पाता है।
हाँ, फिर क्या हुआ कि उसकी पत्नी ने बर्मा में उसके बच्चे की मृत्यु हुई, एक लड़की की, तो उसने सारा अपराधी रॉबर्ट को बना दिया और उसको छोड़कर लंदन वापस चली गई। और वो ये सोचता रहा कि बच्चे की मृत्यु का मैं कैसे अपराधी हूँ, तो मतलब ये बात उसको, तो वो लंदन लौट गई, तो ये बहुत अकेला पड़ गया। और इसको पेंटिंग बनाने का जो काम मिला तो ये बहुत ज्यादा उसमें डूब गया, क्योंकि वो पेंटिंग बनाता ही था। और आपको पता है, पेंटिंग के अलावा उसके हिस्से में 150 लेपर्ड के शिकार का रिकॉर्ड है। वो पियानो बजाता वाह, था, वो सारंग ओहो बजाता था, तो माहिर था, मतलब वो इन सारी चीजों में माहिर था। तो उसको वादी का भी शौक था, और वो क्रूयल अंग्रेज नहीं था जैसे आमतौर पर हम लोग जानते हैं। वो बहुत प्रेम से भरा हुआ था, बहुत अपील करी, और मैंने नहीं, उसका तो विस्तार से ही वर्णन होना चाहिए इस ढंग से। हाँ बहुत बढ़िया। ऐसे ही मेरी किताब है टेम्स की सरगम, आपने पढ़ी है। उसमें जो अंग्रेज था वो बहुत क्रूअल था, बहुत हाँ अत्याचारी था, लेकिन इसमें रॉबर्ट का चरित्र जो है बहुत ही, एक तो वो कलाकार था और फौजी था, अपने अपने कर्तव्यों को जानता था, और फिर उसके जीवन में जितनी भी स्त्रियां आई किसी को भी उसने ठुकराया, और अंत ठुकरा में पारो प्रेम में वो जिंदगी ना जैसे, समर्पित कर दी। वो बिल्कुल। और वो पारो एक आदिवासी लड़की थी, जिसकी जिसका विवाह वहाँ के आदिवासी आदिवासियों का जो ग्रुप रहता है उसके मुखिया के बेटे के साथ, उसने रॉबर्ट के प्रेम में उसका विवाह ठुकरा दिया। और बाकी अंत तो उपन्यास में ही देखेंगे, तो बहुत वैसा था, मतलब कि अंत बहुत दुखद रहा पारो का। तो लेकिन ये आपने बड़ा मतलब खूबसूरत वर्णन किया है जंगलों का, और एक-एक बारीकियां जंगलों में आदिवासियों का, मतलब उनकी उनके कानून, उनके रीति रिवाज सबका बहुत, इसमें बहुत सुंदर विस्तार से वर्णन है। किताब बहुत ही शानदार है। अब मैं अपने दूसरे प्रश्न पर आती हूँ कि इस किताब की जो कीमत है वो 1800 रुपये है, और हाँ क्या आपको लगता है कि इसे आम पाठक खरीद पाएंगे? हाँ ये किताब की कीमत तो सचमुच ज्यादा है, और इस बारे में मैंने बार बार प्रकाशक की ओर ध्यान इंगित किया कि आपने बहुत ज्यादा कीमत रखी है, ये किताब वाले प्रकाशक से छपी हुई है, और ये जो दिल्ली में है, किताब वाले नाम है उनका, वहाँ से छपी हुई है। और कीमत अगर कोई खरीदना चाहे तो वो आधी कीमत में ही मिल जाएगी, लेकिन हो सकता है उनके अपने कोई नियम हो जिनके अनुसार उनने इतनी कीमत रखी। मेरा बार बार उनसे इस बात में डिस्कशन हुआ था कि इतनी कीमत तो नहीं रखना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन वो इसे लगभग आधी कीमत में पाठक को देंगे, बल्कि आधे से भी कम कीमत। वैसे भी कागज का भाव बढ़ गया है, इंक का, स्याही का बढ़ गया है, तो इसमें प्रकाशक का दोष ज्यादा नहीं है, और फिर वो अपना बिजनेस भी देखते हैं। ये है, और आधी कीमत पे देंगे, ये आपने बहुत सुखद बात सुनाई, ये बहुत अच्छी बात है। आपने ये उपन्यास सत्य घटना पे लिखा है ना, तो बिल्कुल मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि रॉबर्ट गिल फौज का आदमी था, चित्रकार भी था, और उसे चित्रकारी भी पसंद थी, और वो फौजी भी था, और बहुत ज्यादा इमोशनल था, तो उसके स्वभाव और प्रोफेशन में मुझे बहुत विरोधाभास लग रहा है। हाँ, आपका पूछना सही है जी कि विरोधाभास तो सच में है, क्योंकि वो फौज का था, लेकिन वो बचपन से ही उसको चर्च के फादर ने पाला था, और वो चित्रकारी बहुत करता था। आप देखेंगे कि उपन्यास में शुरू से ही वो चित्रकारी करता था, वो पहले रेखा चित्र बनाता था, बाद में उनमें रंग भरता था, फिर वो जितना टाइम अपना सेना के दफ्तर में देता था उसके बाद वो समुद्र किनारे चला जाता था, या हरियाली में, या कलकत्ते में रहा, वहां हर जगह वो चित्र बनाता था। तो ये उसका चित्र बहुत बनाने का बहुत ज्यादा शौक था, जो कि वहां तब बड़े जो उसके अफसर थे उनने इस बात को बोला कि ये हूबहू उन चीजों को उतार लेता है, इसीलिए उसका नाम इसमें आया कि वो वहां की अजंता की गुफाओं का चित्रकारी का उसको काम दिया गया। इसके अलावा भी उसने बहुत चित्रकारी की,
महाराष्ट्र के कई जगहों पे जाकर उसने मालशेज घाट है और ये सब है समुद्र किनारे, आप उसके मतलब जैसा कि उसमें लिखा हुआ है कि, और चित्र मैंने देखे जो सारे चित्र उपलब्ध हैं उसमें देखा कि बहुत ज्यादा मतलब समुद्र एक ही है लेकिन उसका अलग अलग ढंग से उसने चित्रकारी की है और उसमें कलर भरा है। तो ये सही है कि फौजी था लेकिन उसको चित्रकारी था, और बचपन में उसने जो एक चित्र बनाया तो फादर को दिखाया, चर्च के फादर जिन्होंने उसको पाला, तो उसने फादर ने उस पर अपने हस्ताक्षर किए, उसने हमेशा उसको पेंटिंग को अपने पास रखा। बहुत सुंदर आप बताती बताती जा रही, और मैं उन दृश्यों पे खोती जा रही। नहीं हालांकि ये छोटी उपन्यास मैंने क्या पढ़ा है। हाँ छोटी उम्र में ही उसने जी डूबते सूरज की जो जी पेंटिंग बनाई थी उसको देख के तो लंदन में सब बहुत हतप्रभ रह गए थे, और मतलब रेखा रेखा चित्र वगैरह सारे ही वो बनाता रहता था, और यही उसका मतलब मेन धरोहर थी जो आज भी अल्बर्ट लाइब्रेरी में जीवित है लंदन में। जी और कहेंगे कि उस दौरान वो एक मतलब रॉबर्ट आया हमारे देश में रहा तो हमेशा बोलता था, कहीं कहीं लिखता भी था, और जो उसमें थोड़ा थोड़ा राइटअप उसका मिला कि मुझे इंडिया खींचता है, मुझे इंडिया की कल्चर खींचती है, मुझे इंडिया के लोग खींचते हैं, मैं इसलिए खींचा क्या चला बात है। आया, मैंने मर्जी से यहाँ आने का चुना। मतलब आप जी सोचिए कि इतनी लंबी समुद्री यात्रा से वो सबको लेकर, अपने कुत्ते और घोड़े और सबको ले लेकर वो यहाँ आया, तो सचमुच उसको वाकई हमारे देश बहुत पसंद। रोमांचक है, बहुत रोमांचक है ये यात्रा। मंडल ही तो सुंदर हो गया। तो ये उपन्यास और लिखने कितने वर्ष लगे? वैसे तो बहुत पहले शुरू कर दिया था पर बहुत तीव्रता तो पिछले 2-3 सालों में ही आई, और काफी जानकारी इकट्ठी करते जगह जाके जैसा कि आपको बताया तो इकट्ठी करती रहा, अलग अलग उनके चैप्टर बन गए, फिर उनको एक में करना पड़ा चैप्टर को, फिर उनको सीरियल वाइज करना करते रहे, फिर मैंने हमारे मतलब बहुत बड़े समीक्षक हैं उनसे हमने बोला कि पारो तो बहुत लास्ट में आ रही है, तो बोले नहीं बिल्कुल ठीक है ये तो, क्योंकि पारो जब आएगी तभी आएगी ना, पहले से कैसे आ जाएगी, पहले तो वो आया तो सही बात है। 1824 से उसका जो हुआ तो जब पारोस की जिंदगी में आई तभी, लेकिन बहुत बहुत विवादास्पद जिंदगी, बहुत स्नेहिल जिंदगी उसकी थी, और मुझे बहुत ही ज्यादा उसने किया, ऐसा लगा कि जैसे रॉबर्ट सामने बैठ के लिखवा रहा हो ऐसा लगा। जैसे कि आप भी बोलती हैं कि भाई उपन्यास तो सामने ही लिख के लिखवाता है, इसी ढंग से मुझे महसूस हुआ। जी और घटना घटी थी, जब कृष्णा आए थे वो गीत गोविंद लिख रहे थे, तो एक जगह अटक गए थे वो। तो वो महीनों चिंतित रहे कि इसको कैसे बढ़ाएं, इस लाइन को। दूसरे दिन उन्होंने देखा कि लाइन लिखी हुई है और वो कृष्ण के बड़े घटना है। और ये किसी लेखक के संग पूर्वाभास हो जाए, हम जिसके लिए लिख रहे हैं अगर वो इस दुनिया में रह चुका है तो ऐसा लगता है जैसे वो बैठकर लिखा रहा हो। और बिल्कुल जीवंत वर्णन आपने इसमें की, तो मुझे तो लगता है कि उनकी उसकी की प्रेरणा, पारो की प्रेरणा से आप आगे बढ़े और आपको भी मिल गए और आपने एक सत्य घटना को इतना खूबसूरत समा पहना दिया। ये आपका पहला उपन्यास है ना? हाँ पहला उपन्यास है, और वैसे मैंने संयुक्त उपन्यास आपके ही साथ मिलकर लिखा है ख्वाबों के पैरहन, तो उसमें 8 चैप्टर हैं, 8-8 हैं, तो वो भी एक हाँ बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास रहा और सबने बहुत सराहा उसको, और उसकी तो अलग ही कहानी है। वो तो बहुत प्रसिद्ध हुआ है और वो हाँ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी उसको मैं बता रही थी कि 50,000 प्रतिलिपि में ये इसमें मातृभारती में 50,000 डाउनलोड हुए हैं। कोई मामूली बात नहीं है ख्वाबों के पैरहन के। और उसमें
आपने मैंने लिखे हैं और बहुत ज्यादा चर्चित प्रशंसित हुआ है, और उस पर पीएचडी भी हो रही है, मतलब पीएचडी के लिए, जैसे मेरे ऊपर समग्र पीएचडी हो रही है यवतमाल से, तो उसमें उस हाँ को शामिल किया गया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये आपका दूसरा उपन्यास तो और भी मैं कहूंगी कि बड़ी धमाकेदार एंट्री हुई है साहित्य की दुनिया में इस उपन्यास से, और इसकी भाषा और शिल्प बहुत ज्यादा अपील करने वाला है। और मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या आप इस उपन्यास का अन्य भाषाओं में, मराठी नहीं में, अंग्रेजी में? हाँ, जैसा कि मैंने नहीं अभी अभी थोड़ी देर जी बताया कि क्योंकि ये लास्ट में पारो महाराष्ट्रियन लड़की रही, तो उसमें बहुत सारा, और महाराष्ट्र के लोग इसमें बहुत ज्यादा रुचि भी ले रहे हैं, तो इसका मराठी में अनुवाद हो रहा है और इसी साल में आ जाएगा मराठी में अनुवाद इसका, और इसका इंग्लिश में भी अनुवाद हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्रिटेन की पृष्ठभूमि से शुरुआत होते होते अंत महाराष्ट्र में हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अंग्रेजी का ये उपन्यास, इसमें अनुवाद होना अच्छा है, और जो उपन्यास ये भी इंग्लिश में, एक साथ इंग्लिश में और मराठी में एक साथ ही आ रहा है, इस वर्ष के अंत तक आ जाएगा। तो और मुझे लगता है कि ये शीघ्र ही प्रकाशित भी हो जाएगा। जी ये तो सोचना है कि चूंकि आपने पारो को लिया है और महाराष्ट्र में अजंता को लिया है, तो इसका होना, मतलब मराठी में अनुवाद होना बहुत ज्यादा आवश्यक भी है, और हाँ, जब ये महाराष्ट्र में उन सब तक पहुंचेगा। जी बताए हाँ, जी, मराठी में तो इसकी जी कुछ कह रही थी। मांग ही, मैंने बोला मराठी में इसकी हाँ हाँ मांग ही हो रही है। मराठी तो मराठी प्रदेश में रहती हूँ, बात तो आदिवासी लड़की रही, और महाराष्ट्र में ही इसका हाँ एंड, महाराष्ट्र हाँ में ही अच्छा है, इसलिए मराठी की मतलब मांग की गई, तो उसका अनुवाद कंप्लीट हो गया है और अब आने वाला है। इस उपन्यास के बारे में मैंने काफी चर्चा कर ली है, अब मुझे लग रहा है कि उपन्यास को पाठक जो भी मतलब उत्सुक है उनको लेकर यह उपन्यास पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये पूरा रिसर्च पर भी आधारित है और इसमें सारे फैक्ट लिए हैं और उस दौरान के पूरे फैक्ट लिए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि उपन्यास पढ़ा जाए तो ज्यादा और भी सब लोगों को मेरी पूरी रिसर्च सामने आएगी। और संतोष जी दिख नहीं रही हैं। और मैं इस उपन्यास के बारे में सभी कुछ बता चुकी हूं, मुजफ्फर जी कह रहे हैं कि कुछ अंश पढ़कर सुना दीजिए। उसमें मतलब एक सच्ची घटना जो है उसमें उसका मित्र भी टेरेंस भी आता है, और बहुत अधिक टेरेंस के साथ उसकी दोस्ती है, तो मैंने टेरेंस के जीवन के बारे में भी लिखा है, वो एक अलग ही कहानी हो जाती है। और ऐसा जी थोड़ा सा पढ़कर बता दें, हमारे दर्शकों की मांग है। अच्छा, मैं दिसंबर 1849 में रॉबर्ट गिल को डायरेक्टर ऑफ कोर्ट की मुहर लगा लिफाफा मिला। इतने वर्षों बाद उसे मेजर के पद पर पदोन्नत किया गया था। वह 1824 में कैडेट के रूप में लंदन में सेना में भर्ती हुआ था। उसके बाद 44वीं मद्रास नेटिव इन्फेंट्री में उसकी पोस्टिंग हुई थी। वह ऐच्छिक नियुक्ति पर इंडिया आ गया था। सितंबर 1826 में वह लेफ्टिनेंट बना। उसके बाद फिर 6 मई 1840 को वह कैप्टन बना। अब वह मेजर के पद पर था
और साथ ही विशेष अनुरोध पर रॉबर्ट को अजंता में बौद्ध गुफाओं का एक चित्रमय रिकॉर्ड बनाने के लिए नियुक्त किया गया था। उसे इन गुफाओं के भित्ति चित्र, फोटोग्राफी, पेंटिंग, रेखा चित्र, गुफाओं की मैपिंग और उनका रिकॉर्ड रखने के लिए कैटलॉगिंग करने और संबंधित गुफाओं के छायाचित्र भी लंदन भेजने के लिए आदेश दिया गया था। इसके लिए रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने उसे कैमरा प्रदान किया। गुफाओं के रख रखाव की जिम्मेदारी भी उसी की थी। हैदराबाद के निजाम द्वारा अजंता ग्राम स्थित बारादरी में उसके रहने का प्रबंध किया गया। इस काम के लिए उसे 5 वर्षों का समय दिया गया। सेना के मेजर पद के वेतन के अलावा उसे साल भर में 200 रुपये अभी तो हंसी आएगी कि 200 रुपये उसके वार्षिक अतिरिक्त राशि भी उसको दी जाएगी, ऐसा लिफाफा प्रदान किया और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की तरफ से। और इसके अतिरिक्त सारी जिम्मेदारी निजाम हैदराबाद की रहेगी। वहां के बारादरी में उसको रहने का प्रबंध किया गया। बारादरी इतनी छोटी नहीं थी, पूरी महल के समान थी जो मैं देख कर आई हूँ। और बारादरी भी अब खंडहर के रूप में आ चुकी है और ये सारा कुछ इसमें देखा हुआ लिया गया है। और उसकी कब्र है, हाँ, रॉबर्ट की कब्र भुसावल में है और रॉबर्ट के पोते वगैरह यहाँ पर आए हुए थे। उनको पता चला कि मैंने ये उपन्यास लिखा है तो उनने बहुत अनुरोध किया कि हमको ब्रिटेन में ये उपन्यास भेजा जाए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा अंश आपका, जानकारियों से भरा हुआ अंश पढ़कर आपने सुनाया हमारे दर्शकों की माँ की ये सुनाया जाए। और अब ये रॉबर्ट गिल तो हो गया, अंग्रेजी मराठी अनुवाद भी आने वाला है। अब मैं मेरा एक उपन्यास है रुको वैदेही, जो मैंने आश्रम के ऊपर लिखा है और वहां पर पनपी एक प्रेम कथा पर है जो बहुत ही मतलब गहराई से प्रेम को दर्शाती है, उस पर मैं लिख रही हूँ। और वो एक आश्रम में पनपे मतलब पवित्र प्रेम पर आधारित है। और जैसे आश्रम का जिक्र है तो उस ढंग से मैं उपन्यास लिख रही हूँ, ये भी शीघ्र। और इसके अलावा ये तो वैदेही शीर्षक है, वैदेही शीर्षक है और उसमें वैदेही नाम है। हमारे मुजफ्फर जी पूछ रहे हैं कि घटना यथार्थ में हुई किस उपन्यास, रॉबर्ट गिल की? अगर रॉबर्ट गिल के बारे में पूछ रहे हैं मुजफ्फर जी तो ये सारी घटनाएं पूरा सच है, पूरी घटनाएं यथार्थ में हुई है। और जो दूसरा ये जिस उपन्यास का संतोष जी ने पूछा रुको वैदेही, वो तो थोड़ा सा जैसे कि हम हमारे सामने तो घटनाएं कुछ ना कुछ होती रहती हैं, उसे उपन्यास का रूप दे रही हूँ। और इस ढंग से ये उपन्यास पूरा मतलब मेरा शोध प्रबंध तो है ही, इसमें बहुत अधिक मेहनत करी है, बहुत अधिक इधर उधर गए हैं हम। और उसके लिए अजिंठा गए, भुसावल गए, वहां से मैंने रॉबर्ट की कब्र का खुद ही मैंने ये लिया, फोटो ली जो मैंने उपन्यास में दी है और उसके छाया चित्र भी कुछ लिए हैं, और मतलब रॉबर्ट के खींचे हुए छाया चित्र भी इस उपन्यास में दिए गए हैं। और उसकी पेंटिंग्स शायद एक एक ही पेंटिंग अलाउ थी लेने के लिए तो लिया गया है, क्योंकि उसमें भी उनका सारी पेंटिंग सारी लंदन में है, इसलिए सभी कोरोना टाइम था इसलिए सभी कुछ मुझे नहीं मिल सका कि मैं एकदम सारे चित्र मंगवा सकूं वहां से, तो वो उस दौरान ही पूरी हुई थी। तो इतना मेरे को वहां से चित्रों का मतलब मिलना जरा कठिन हो गया, तो थोड़े ही चित्र दिए हैं मैंने, लेकिन उस दौरान के चित्र देने की कोशिश भी की है इसमें। और फिर भी बहुत जो भी चित्र बहुत इम्पोर्टेंट, हाँ, चित्र तो बहुत लिए जा सकते थे लेकिन बहुत सारा कॉपीराइट था
और लगातार मैं लंदन की लाइब्रेरी में बोल रही थी कि इसकी क्या कीमत हमको देनी होगी, कॉपीराइट है, लेकिन वहां से जवाब नहीं आ रहा था तो नहीं लिए थे वो चित्र, तो थोड़े ही चित्र ले पाई मैं जो ले सकते थे, जो मतलब उपलब्ध थे यहाँ पे, संस्कृति लेकिन मंत्रालय जो भी वहां दिए भी हैं वो इम्पोर्टेंट है, हाँ इम्पोर्टेंट है। वो और इम्पोर्टेंट है। रॉबर्ट गिल की और पारो की कब्र के जो फोटो हैं वो मैंने खुद लिए हैं, वो मैंने इसमें लिए हैं, और इसका कवर भी मैंने रॉबर्ट गिल को सामने रख के ही बनवाया, और उसमें ओरिजिनल रॉबर्ट गिल की फोटो है जो पेंटिंग रूप में है, और कवर तो उसका अच्छा, जो पारो का चित्र नहीं मिला नहीं, पारो का चित्र उपलब्ध नहीं है, एक दो रेखा चित्र थे उसके जो धुंधले पड़ आपको? गए, मैंने बनाए थे जो धुंधले पड़ गए थे, इसलिए रॉबर्ट चित्र नहीं मिल सका, लेकिन डिस्क्रिप्शन से पता चलता है कि वो कैसी थी और क्या पहनती थी और कैसा क्या था वहाँ का, उस काल का लेके लिया गया है, तो इस ढंग से वो वो मतलब आदिवासी आदिवासी महिला थी, काफी खूबसूरत थी। और मराठी स्टाइल की साड़ी पहनती थी, और जो गिलेट और ऐसे जो चांदी ना हो लेकिन सफेद गहने वो पहनती थी, गाती थी वो, नृत्य करती थी, और मतलब कहना चाहिए कि वो हर गुफा में, हर अजंता की हर गुफा में रॉबर्ट के साथ मौजूद थी, यहाँ तक कि वो जंगल में भी सारे रास्ते रॉबर्ट को बताती थी कि यहाँ से मत जाओ, यहाँ से नहीं करो, यहाँ पर जंगली जानवर हैं, चीते का तब बहुत डर था, भेड़िया आते थे, रास्ते नहीं थे, कोई भी पगडंडियां थी तो वहां वो आगे आगे दौड़ती थी, रॉबर्ट घोड़े से उतर के साथ चलता था, तो ऐसा सब बहुत सारा मेरे को वहां बताया गया, जैसे कि कहानियां हंसती थी इस ढंग से अजीब नाम में बताया गया कि, और उसकी एक छोटी बहन भी थी जो उसको मतलब उसके लिए बहुत समर्पित थी, पारो के लिए, रॉबर्ट के लिए, तो इस ढंग से सारा मतलब सारा उपन्यास इसी ढंग से पूरा किया गया। बहुत अच्छा। और कुछ घटनाएं तो आपने ऐसी दी हैं जिनके बारे में शायद ही किसी को पता चले, जो लंदन हाँ में, लंदन का जो आपने वर्णन किया, अद्भुत वर्णन है वो, बहुत अद्भुत वर्णन। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने सच में इसमें बहुत मेहनत की है और उस दौरान का सारा काल लाने की कोशिश की है कि सारा समय वो सामने आए, कैसी मतलब वहाँ की स्थिति, यहाँ तक कि मैंने बर्मा के बारे में पूरी स्टडी करी, वो बर्मा में भी रहा था जाकर, तो बर्मा के बारे में उस दौरान कलकत्ता लिया मैंने, और ये सब स्टडी करके ही लिया बर्मा, उस समय मतलब बर्मा का वर्णन अगर आप उसमें पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, तो इस जी ढंग से। और मद्रास में रहा, अब मद्रास उस समय सारे जहाज पहले बॉम्बे आते थे, फिर वहां से मद्रास जाते थे, वहां से आने वाले फिर उनका मद्रास पोर्ट पर कैसे कैसे वो सामान उतारा जाता था, कैसे कैसे क्या हुआ जाता था, ये सब मैंने लिखा, और उसका एक खास नौकर था जो सारी जिंदगी उसके साथ रहा, उसने शादी नहीं की थी, क्या बात। तो वो मतलब इस ढंग से उसको लिया है, जो छोटी 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 सी चीजें मिलती गई उनको मैं सिलसिलेवार लेती गई, और उसमें देने की उपन्यास में मैंने पूरा देने की कोशिश की, और आप खुद कथाकार हैं उपन्यासकार हैं तो जानती हैं कि कल्पना तो होगी ही, सेंटेंस तो बनेंगे ही, वाक्य विन्यास उसके होगा बिना ही, तो असंभव है लिखना। तो ये सारा किया, और यहाँ के महाराष्ट्र के जो कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटी हैं उसमें उपन्यास मांगा गया, तो क्योंकि बहुत सभी बढ़िया, को बहुत जा बढ़िया, छोटा निश्चय छोटा ही। छोटा हाँ हाँ बिल्कुल। तो मतलब पारो के बारे में तो, हाँ और उनके आदिवासी जीवन के बारे में, तो इस ढंग से पूरा लिया गया। निश्चय ही ये इस पर काफी जगहों से शोध कार्य होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और ये जैसे जैसे इसका विस्तार होगा विभिन्न भाषाओं में, खासकर मराठी और अंग्रेजी में, तो इसको और भी ज्यादा
ये इसकी पहुंच पाठकों तक होगी। और आप तो काफी सालों से लिख रही हैं, पहले आप पत्रकार भी रही हैं और लिख रही हैं, आपकी अभी एक कहानी हंस में छपी है, वो भी प्रेम कथा है, मतलब आपका प्रेम पर ज्यादा कलम चलती बोल रही हूँ। और प्रेम ही तो है दुनिया में जो जिस पे कलम चलेगी, तो प्रेम पर कलम चलेगी और प्रेम को ही खोजा गया, मतलब प्रेम तो सर्वत्र बिल्कुल है। तो इस उपन्यास में भी, और जब मैंने देखा इस उपन्यास में कि बहुत ही ज्यादा उसके मतलब प्रेम में डूबा वो इंसान और सेना में, वो भी, तो ये सोचने वाली बात। तो सही विरोधाभास, बात। तो आपने बोला कि विरोधाभास तो उस नौकरी में और उसके कार्य में था ही, लेकिन वो शिकारी भी थे। और ऐसा बताया गया है, एक छोटे से मतलब छोटी सी सूचना मिली थी कि वो बंदूक से शिकार नहीं करता था, लेपर्ड का या बाघ अच्छा, का ये बोलते हैं, ओ हाँ, वो हाथ से मतलब करता था शिकार। और उसके, खैर ये दुखदाई है कि भाई हमारे जानवर मारे गए, लेकिन अपना अपना शौक है। उस दौरान तो शौक को एक बहुत बड़ी चीज मानी जाती थी कि अरे तुम बाघ मारे, कितने शेर मारे, और वो उनकी भूसा भरा के और खाल उसके सिर को और इन सबको लटकाता था, बल्कि अंग्रेज अफसरों को ही भेजता था। तो 150 लेपर्ड का शिकार उसने किया, बिल्कुल और घोड़े की में भाग लिया और सब, मतलब उसका आम अंग्रेजों जैसा उसका नहीं था, वो कुछ अलग ही था, और हेल्पिंग नेचर था, मतलब मददगार था वो आदिवासियों के लिए। कहाँ होते हैं ऐसे, अंग्रेजों के समय बिल्कुल में पढ़ते तो कहाँ ऐसे होते हैं, नाराजी हो नाराजी दिखती थी उन लोगों की, लेकिन ये अलग ही ढंग। बिल्कुल और इसने पारो की छोटी बहन का पूरा जिम्मा उठाया उसका, तो पारो की एक जन, मृत्यु के बाद। हाँ, पारो की मृत्यु के बाद, पारो को एक्चुअली मारा गया था, तो पारो की, वो तो पूरा उपन्यास तो पढ़ेंगे तो सब वो होगा, तो पारो की मृत्यु के बाद उसको ये उठाई उसकी छोटी बहन की। और मतलब बहुत ही, जैसे सोचते हैं ना कि होना चाहिए वैसा था, उस हाँ ढंग हाँ से बिल्कुल लिखा गया। और तो ये छोटी छोटी घटनाएं जो आपने दी हैं, इनसे उपन्यास और ज्यादा रोचक हो गया है। अब मुजफ्फर जी हाँ, पूछ रहे हैं कि हाथ से शिकार जी पढ़िए, बताइए उसका उत्तर। हाथ से शिकार मतलब उनके पास वही बड़ी भोंकने वाला भाला वगैरह ऐसा रहता था, और उसके साथ दो तीन और अंग्रेज अफसर रहते थे, लेकिन अधिकतर शिकार उसने अकेले ही किया। और जहां तक मैंने उसके बारे में पढ़ा और जानकारी इकट्ठी की कि उसने बंदूक से शिकार नहीं किया, उसने हाँ, मतलब इन्हीं औजारों से औजार, किया। हाँ हाँ, और पास चला जाता था, वो भयभीत नहीं होता था और पास चला जाता था और उससे शिकार करता था, ऐसा ही आया। बाद में थोड़े बहुत मचान अचान के पास ऐसा सुना कि भाई उसने कुछ शिकार, मतलब उसके साथ के लोगों ने बंदूक चलाई, अरे रावट तुम इतने पास मत जाओ, ये सब करके, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे डिस्क्रिप्शन मिलते हैं जिसको मैंने उसको और पढ़ के उसको उपन्यास में दिया। और इस ढंग से मतलब ये पूरा एक प्रेम कथा है, और एक सैन्य अफसर के जिंदगी की संपूर्ण प्रेम कथा, और एक अलग से कथा भी इसमें आती है जो उसके दोस्त टेरेंस के बारे में है, जो उसकी माँ के बारे में, उसको छोटी छोटी सी लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी में नहीं, बुक्स जहाँ पर रखती थी उसकी माँ, वहां पे छोटी छोटी सी चिट्ठियां उसको मिलती हैं, और उसके सहारे वो माँ के बारे में जानता है, टेरेंस की माँ के बारे में, वो भी मैंने दिया है। अब चूंकि मुझे ये सब चीजें, छोटी छोटी सी पर्चियां मिली और ये सब हुआ, तो फिर मैंने उसको अपने सोच के अनुसार उसको सामने हाँ, ला मतलब दिया। कल्पनाओं से जोड़कर और वो सब सत्य को जोड़कर आपने ये लिखा है। ये तो दिखाई दे रही है आपकी मेहनत। जो सही है बिल्कुल करेक्ट है, समय जगह सब कुछ जो जैसा था वैसा। इसका कवर मुझे बहुत पसंद आया।
उपन्यास का कवर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपने उसमें ओरिजिनल रॉबर्ट को लिया। बिल्कुल, बहुत सुंदर कवर है, इसमें आपने रॉबर्ट को लिया है, और कितना खूबसूरत। वो मेरे ख्याल से वो अजंता की गुफा के भी, अंदर ही बैठा है, बाहर ऐसा कुछ है। अजंता की, और हाँ सारा सारा दिन वहां लगा देता था अजंता की। और उसने छत पे जो रंगीन चित्रकारी की गई है केव्स में, जो उस दौरान की गई थी, तो 700 साल पुरानी थी ये, तो जंगल में ढक गई थी पूरी, जंगली जानवरों से भर गया था, तो अच्छा नहीं था। तो इसके ही माध्यम से, सब कुछ पेंटिंग के माध्यम से सामने आया। अब तो खैर आप जाएंगे अजंता, और आप लोग जाएंगे तो देखेंगे कि बहुत रंग उसके निकल गए हैं, सब कुछ है, लेकिन जिस दौरान उसने किया तो वो उसने सारा उसी ढंग से लिया, वही कलर लिए, वही सब कुछ किया। और वो तेल पेंटिंग करता था, ऑयल पेंटिंग, तो अरे उसके वहां वाह। से आते थे ऑयल, और उसमें कौन तो सा जो ऑयल अजंता मिलाया की जाए, ये गुफाओं सब। में, तो जो अजंता की गुफाओं में चित्रकारी ऑयल पेंटिंग, नहीं, वो ऑयल पेंटिंग नहीं है, वो वहां की, मतलब उसको एक खास दिया जो मैंने, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मैंने उपन्यास में दिया है, तो वो पेंटिंग वाले ही उसमें लगाए गए हैं, जो बोलते हैं 1000 साल तक, जो अपने यहाँ के मंदिरों में और सब में प्राचीन समय से यूज होते रहे, दिए गए हैं उसमें, वो मतलब बरसों खराब न होने वाले दिए गए हैं। और जिनने भी वो बनाया, आप उनका जरा सोचिए, जिन बनाई उनका सोचिए कि वो कलर अभी भी, हालांकि अभी औरंगाबाद में थोड़े समय के लिए केव्स बंद की गई हैं, क्योंकि उनके रख रखाव के लिए थोड़ा सा, कलर्स के लिए थोड़ा सा सब लोग चिंतित हो रहे हैं, तो उसको दोबारा सब करा जा रहा है के लिए बंद है। आप लोग जाओ अजंता तो पूछ के जाना कि अजंता खुला है कि नहीं अभी, क्योंकि अजंता हाँ के बिल्कुल लिए। बिल्कुल, अभी तो शायद हाँ बंद ही, हाँ रख रखाव होता रहता है, और विदेशी पर्यटक इतने आते हैं कि ये आवश्यक भी है रख रखाव करना। हाँ अब आप बिल्कुल, मेरा उपन्यास पढ़ेंगे तो तो आपको बारे में पूरा ही मजा आएगा देखने में, हाँ कि भाई अजंता के लिए देखने में। बिल्कुल, अब आप और खुलासा ना करें, अब थोड़ा सा पाठकों को के जिज्ञासा के लिए छोड़ दें, ताकि वो उपन्यास पढ़े और आ, आ, उसकी आ, उसके बारे में जाने। एक लेखक के लिए ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि उसने जो इतनी मेहनत की है वो पाठकों तक पहुंच रही है। क्योंकि और ये हमारे महाराष्ट्र के प्रोफेसर वगैरह सब इसमें बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, और हाँ हाँ तो हालांकि जो जो भी इसमें फिल्म भी एक बन चुकी है, लेकिन उसमें वो सच्चाई नहीं है जो मैं सामने लाई हूँ, क्योंकि उनमें देखी जो है मैंने वो कलर्स दिखे, पिक्चर। हाँ हाँ वो अजिंठा, तो वो उसमें वो हाँ चीज नहीं है, वो नहीं है मतलब उनमें से बनाई है फिल्मी ढंग से, उसको पारो एक्चुअली, को लाए हैं, लेकिन उन्होंने उस हाँ उस फिल्म को उन्होंने पहाड़ों पर ही केंद्रित किया है, तो वैसा है। और आपने आप इन इस किताब को आलोचकों के पास भी, मतलब आलोचकों के पास भी भेजेंगी क्या, इस पुस्तक को? मुझे तो लगता है मेरे पाठक ही मेरे सच्चे आलोचक और हाँ समालोचक बिल्कुल दोनों ही, बिल्कुल तो आज तो पब्लिशर भेजते ही हैं जो बड़े बड़े आलोचक हैं, लेकिन मुझे एक समीक्षक की तो मेरे पास समीक्षा आ चुकी है कि आपने बहुत मेहनत अच्छा की है, बहुत अच्छी बहुत है, बढ़िया। शायद आप सारे लोग नाम जानते होंगे, भारत भारद्वाजी, तो वो हाँ देश के बिल्कुल, बहुत जाने माने, फेमस है वो। हाँ उसके जाने माने समीक्षक हैं, और उन्होंने इस पुस्तक के लिए कहा है कि प्रमिला आपने बहुत मेहनत करी है। और कुछ तो, जहां तक आपने मुझे एक बार बताया कि एक पाठिका ने भी इसकी आपसे चर्चा प्रशंसा की की और आलोचना की। हाँ, वो भी बड़ी और बात कहने है। लगे लिखने की बहुत ज्यादा उत्सुकता थी, हम तो छोटा छोटा सा राइट अप पढ़ते रहते थे इसमें अखबारों में, पूरे डिटेल में मैंने उनके जो उनके गाने वाने वो गाया करती थी, वो भी लिए हैं इसमें मराठी में, क्योंकि आया है उसमें कुछ वहां तो का। बड़ी
बड़ी रोमांचक बातें भी है कुछ, जैसे काला गुलाब देना, और वो हमेशा काला गुलाब लगाए रहता था कोट की जेब में, है ना? उसकी बगी काला लाल कोट पहने रहता था और काला गुलाब लगाए रहता था। बहुत ही समर्पित प्रेम था, इसमें कोई संदेह नहीं है। और प्रमिला जी, जाते जाते अब हमारा जितना समय है, हमें जन सरोकार मंच ने देवेंद्र जोशी जी ने दिया है, बस वो 2-3 मिनट रह गए हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि हमारे जो पाठक हैं हमेशा चाहते हैं कि लेखक उनको उनके बारे में कुछ कहे, कि मतलब कुछ संदेश दे उनके लिए, कि क्या संदेश आप देती हैं, या आप ऐसा मान लीजिए कि नए लेखकों के लिए आपका क्या संदेश है? नए लेखकों के लिए संदेश है कि मेरे को तो लगता है कि कहानियां या जो भी कविताएं लिखी जाती हैं वो मतलब थोड़ा सा समय को सामने रखकर भी लिखना चाहिए, जैसे कि आज के दौर में लिखी जा रही है। तो आप थोड़ा सा उसको सामने रखकर भी लिखेंगी तो आपकी कहानियां और सब कुछ बहुत बेहतरीन बनेगा। और मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहूंगी कि जो आजकल हंस पढ़ रहे हैं, जितनी मतलब हंस है, ज्ञानोदय है, जो भी जितनी मैगजीन्स निकल रही है, बहुत अच्छा हमारे युवा लोग लिख रहे हैं और सचमुच में प्रगति हो रही है इस बारे में। कहानियों में बहुत मतलब मोड़ आया है, नई नए नए कथ्य पर, कथानक पर कहानियां लिखी जा रही हैं, और नव मतलब जो नव लेखक है वो तो काफी तरक्की कर रहे हैं, ऐसा मेरा सोचना है। आप भी मुझे लगता है यही सोच रही हैं बिल्कुल, जी। तो स्कूल में कहानी और पत्रिकाएं भी बहुत निकल रही हैं, बहुत ज्यादा पत्रिकाएं निकल रही हैं, उनको अवसर, हमारे समय में इतनी पत्रिकाएं नहीं थी, हमारे समय में सीमित पत्रिकाएं थी, इसलिए हमारा लेखन जो है वो पाठकों तक बहुत जल्दी पहुंच जाता था। अब हमें बताना पड़ता है कि फलां पत्रिका में कहानी छपी है, पढ़ लो। इतनी पत्रिकाएं। तो चलिए प्रमिला जी, और कुछ कहना चाहेंगी आप? बस मैं जन सरोकार मंच की बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे उनने ये अवसर प्रदान किया कि मैं अपने पाठकों के समक्ष आ सकी, और बहुत बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ जोशी जी को भी, देवेंद्र जोशी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा प्रमिला जी आपसे बात करके, और चूंकि ये साक्षात्कार एक पुस्तक पर केंद्रित था इसलिए बहुत अधिक रोचक रहा, क्योंकि ज्यादातर साक्षात्कार में ये पूछा जाता है, मतलब लेखक की साहित्य की यात्रा के विषय में पूछा जाता है, वो मैंने आपसे एक भी सवाल नहीं किया, मैंने किताब को सामने रखकर ही सवाल किया, केंद्रित करके ही, जो जिसके कारण पाठकों को बहुत रुचि आएगी इस साक्षात्कार को सुनने में, और वे अवश्य ही इस किताब को पढ़ना चाहेंगे, पढ़ने की ओर अग्रसर होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रमिला जी, और बहुत जन सरोकार मंच का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमें ये अवसर दिया कि हम 1 घंटे तक पूरा आपके संग, आपके रूबरू होकर बातचीत हमने जो की है। मेरा आपका लिखना तो मुझे मालूम नहीं है, उद्देश्य आपका पूरा हुआ कि नहीं, लेकिन मेरा पढ़ने का उद्देश्य पूरा हो गया। क्योंकि मैंने आपसे सवाल इतने कर लिए कि मेरा पढ़ने का उद्देश्य, मतलब मेरी जिज्ञासाएं भी आपने शांत की, और बहुत बारीकी से, बहुत गहराई में जाकर आपने इस उपन्यास का, जो उपन्यास का प्रस्तुतिकरण किया है, वो वाकई काबिले तारीफ है, और आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और अब मैं देवेंद्र जोशी जी से भी विदा चाहती हूँ, जन सरोकार मंच से हमारा 1 घंटे का समय पूर्ण जो उन्होंने कहा था वो हो गया। प्रमिला जी, आपका बहुत 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 शुक्रिया, नमस्कार। बहुत बहुत।